कि पवन जी किससे लड़ रहे हैं या खेसारी जी किससे लड़ रहे हैं या इन दोनों में क्या चल रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है तो देखती भी ना यार क्या चुती आप ऐसे स्क्रोल खेसारी जी ने पवन जी को कुछ बोल दिया चाहे पवन जी ने खेसारी स्टेज के माध्यम से तो कैसा लगता था बुरा लगता था ना कि नहीं यार भोजपुरी में ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ मैं हमेशा देखती थी और हमेशा देख के ऐसे स्क्रोल कर देती थी क्या करूंगी मैं क्या करूँ उसमें मतलब आप दो स्टार हो आप दो लोग इंडस्ट्री में इतने दिग्गज हो आप लोगों को खुद अकल नहीं है कि कैसे बात करनी है कैसे क्या करना है ये बताना भोजपुरी में बहुत टफ हो जाता है कई बार हम साइन कर लेते हैं पर हमें निकाल दिया जाता है भोजपुरी फिल्मों से तो ये तो मत ही पूछो अच्छा आज फिल्म फेयर अवार्ड में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव को स्टेज पर एक साथ ही लगता है सामने वो सामने वाला क्या कर रहा है कैसा कर रहा है मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गुडोराज सेवन है और आप लोग देख रहे हैं खूबसूरत सी अदाकारा हमारे साथ निकिता जयसवाल जी हैं मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कैसी हाँ नमस्कार आपके सभी चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार कैसा लगा फिल्म फेयर अवार्ड में आकर के ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा आपने तो देखा ही है। आप तो सारी चीज़ें देखते आ रहे हो और ये पहला फिल्म फेयर अवार्ड है जिसमें सभी बड़े लोग आए हैं जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है बहुत मतलब काफ़ी अच्छा है भोजपुरी में ये पहला है क्योंकि इसमें हिंदी और साउथ सारी चीज़ें हो चुके तो भोजपुरी का पहला है तो आई एम सो एक्साइट मतलब एक्साइटेड क्या अभी तो थक गए हम लोग शो देख देख के बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा अब सीधे टी वी देखना है कि कैसा लग रहा है फिल्म फेयर अवार्ड जो है हम लोग हर बार बॉलीवुड में देखते थे yes. पहली बार हम लोग भोजपुरी में भी देखने वाले वही मैंने बोला कि अभी तक तो हमने हिंदी में साउथ में जिस और भी जो भी लैंग्वेज है उसमें बनी है भोजपुरी में पहली बार है तो आई एम सो एक्साइटेड और मैं ज़रूर देखूंगी क्योंकि भोजपुरी के जितने भी एक्टर्स हैं जितने भी हैं उन सब के हम बहुत क्लोज हैं उनको हम जानते हैं रूबरू जानते हैं तो उन सबको देखना उनका परफॉर्म देखना तो बहुत मज़ा आएगा अच्छा अभी हाल ही में कौन कौन से प्रोजेक्ट शूट हुई हैं और कब तक हमारे ऑडियंस को जो है देखने को मिलने वाला है मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अभी मेरी दो फिल्में रिलीज़ हुई हैं साक्षी शंकर मेरा एक और फिल्म रिलीज़ होने वाला है 23 जुलाई 23 जुलाई को बाप रे बाप जिसमें विक्रांत जी भी हैं और साक्षी शंकर जिसमें रितेश जी हैं अभी रिलीज़ हुई है मेरी दो बहुत अच्छी फिल्म रिलीज़ हुई है गाइस प्लीज़ देखिएगा बाकी वेब सीरीज़ आने वाले हैं गाने आने वाले हैं अभी मैंने एक फ़िल्म शूट की है मड़ी धारी वो भी बहुत अच्छा है वो भी पता नहीं मतलब अभी पाँच दिन का शूट बाकी है तो वो भी आ जाएगा पाँच छः महीने में जो भी है और कौन कौन से मूवी सूट की तैयारी चल रही है मतलब आपने साइन कर लिया है कौन कौन सा सूट होने वाला है नहीं ये बताना भोजपुरी में बहुत टफ हो जाता है कई बार हम साइन कर लेते हैं पर हमें निकाल दिया जाता है भोजपुरी फिल्मों से तो ये तो मत ही पूछो लेकिन जो भी हम काम करते हैं और जो भी प्रोजेक्ट करते हैं ऑफकोर्स वो आ जाता है उसको पहले बता के या फिर वो करके कोई फायदा नहीं है हम इतने बड़े स्टार तो है नहीं कि हम बताएं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट है जो भी काम करते हैं ऑटोमेटिक आ जाता ऐसा है ऐसा मत बोलिए हमारे नज़र में आप भी सुपर हैं <laughs> आपकी नज़र में ना हमें पूरी दुनिया और पब्लिक के सामने बनना है जिस दिन वैसे बन जाएंगे ना तो फिर आपको ऐसे बताएंगे ये है वो है ये पहले आने तो दीजिए अच्छा एल्बम को लेकर के अभी क्या तैयारी चल रही है कौन कौन से गाने जो है शूटिंग के फ्लोर पे है यानी कि हमारे ऑडियंस को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला अभी मेरे कोई भी एल्बम नहीं है लेकिन मेरे मैंने जो गाने शूट किए हैं ना वो आने वाले अभी मेरे दो हिंदी गाने रिलीज़ हुए हैं आप अगर देख सको बी बीफोर यू से तो दो तीन गाने इनफैक्ट तीन गाने वहाँ से रिलीज़ हुए हैं भोजपुरी गाने रिलीज़ हुए जो फिल्मों में अभी किए हैं वो रिलीज़ हुए हैं और पाँच छः और भोजपुरी गाने हैं वो भी आने वाले हैं वो तो जब रिलीज हो जाएगा तो मैं बता दूंगी <laughs> अच्छा आज फिल्म फेयर अवार्ड में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को स्टेज पर एक साथ देख करके कैसा लगा बहुत अच्छा लगा मुझे तो सब अच्छा ही लगता है मैं तो सिर्फ इन्जॉय कर मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ अपना अपना काम करती हूँ सामने वालों में सामने वाला क्या कर रहा है कैसा कर रहा है मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ कि पवन जी किससे लड़ रहे हैं या खेसारी जी किससे लड़ रहे हैं या इन दोनों में क्या चल रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है सीरियसली मुझे कोई लेना देना नहीं है मुझे अपने काम से मतलब है अपनी एक्टिंग से मतलब है अपने रोल से मतलब है साफ सीधी बात अच्छा पहले कभी मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा देखती थी कि ए, खेसारी जी ने पवन जी को कुछ बोल दिया चाहे पवन जी ने खेसारी जी को कुछ बोल दिया स्टेज के माध्यम से तो कैसा लगता था बुरा लगता था ना कि नहीं यार भोजपुरी में ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ मैं हमेशा देखती थी और हमेशा देख के ऐसे स्क्रोल कर देती थी क्या करूंगी मैं क्या करूँ उसमें मतलब आप दो स्टार हो आप दो लोग इंडस्ट्री में इतने दिग्गज हो आप लोगों को खुद अकल नहीं है कि कैसे बात करनी है कैसे क्या करना है तो हम तो भाई बहुत छोटे हैं अभी बहुत पीछे हैं हम देख के मैं मैं सीरियसली मैं इंटरेस्ट नहीं लेती और मैं जो देखती भी उन्हें क्या चुती है ऐसे स्क्रोल क्या करूंगी देख के मुझे मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता ये लड़ाई झगड़े ये जो फैमिली को बोलते हैं ये आपके ये ये वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो कभी ये नहीं करते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी अब जो भी आप झगड़ा पहले देखती थी ना अब वो सब खत्म हो जाएगा आज के बाद क्योंकि आज भरत मिलाप हो गया है बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिले हैं पहले भी हो चुका है हम यहाँ पे दो मतलब हम तो पाँच साल से काम कर रहे हैं तो हम लड़ाई झगड़ा देखते हैं दो महीने ऐसे होता है छः महीने बाद फिर होता है ये मैं देखती या फिर हो सकता है इसलिए भी करते हो लोगों को नाम फेम चाहिए होता है ना मतलब एक होता है ना कि आप न्यूज में रहो आप उसमें रहो पब्लिक में रहो तो लोग इसलिए भी करते हैं आपको पता है लेकिन ना, अब बस यही ऑडियंस है जो भी मेरी फिल्म है जो भी मेरे गाने हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज प्यार दीजिए कमेंट्स करिए लाइक करिए शेयर करिए इतना ही कहना है अच्छे लोगों को जरूर सपोर्ट करिए आप लोग अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हो चलिए आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाँ आपने इतना समय लिया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद